हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपनी हलचल और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएक्स प्लेयर से ऐड कैसे हटाए। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं एमएक्स प्लेयर का ऐप ओपन है। इसमें देखिए बार बार आपको दिवाली की ऐड आपको शो हो रही है, तो इस तरह की ऐड जो है, और जैसा कि आपको कोई भी वीडियो चलाते हैं तो उसमें पॉपअप आ जाता है, तो उस तरह की ऐड को हम कैसे बंद करेंगे। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए, सोर्स लेकर अंत तक वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो वीडियो को ध्यान से जरूर सुने। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग ऑप्शन में जाना है। आपके जो मोबाइल की सेटिंग है उसके ऑप्शन में जाना है। देखिए, जैसे सेटिंग ऑप्शन ओपन कर दोगे तो आपको एक इधर ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोर सेटिंग। यदि आपके पास मोर सेटिंग का ऑप्शन नहीं है तो आपको सीधा एक ऐप मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ऐप मैनेजर पर क्लिक कर लेना है। देखिए, जैसे भी ऐप मैनेजर पर क्लिक करोगे, आपने जितने भी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं वो आपको सब दिखाई दे देंगे। आपको इधर एक एम एक्स प्लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये देख लीजिए एम एक्स प्लेयर का ऑप्शन मिल गया है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए, जैसे क्लिक कर लूँगा तो आपको इधर से क्या करना है, डाटा यूजेज पे क्लिक करना है। देखिए, डाटा यूजेज पे इधर ऑन है, आपको क्या कर लेना है, इधर से इसको ऑफ़ कर देना है। इन दोनों को ऑफ़ कर देना है। जैसे ऑफ़ कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से स्टोरेज पे भी क्लिक कर लेना है। देखिए, स्टोरेज पे जैसे क्लिक कर लोगे आपको क्लियर डाटा कर देना है। आपको जो क्लियर करने से आपकी वीडियोज़ जो है, फोटो जितना भी है वो डिलीट नहीं होगा, ओनली इसके इंटरनल डाटा मीन्स जो भी कैचेज बने हुए हैं वही क्लियर हो गए, तो आपको क्लियर कर देना है। इसके बाद क्लियर, आपको जो क्लियर डाटा है इसके बाद क्लियर कैच पे कर देना है। ये ऑटोमेटिक क्लिच जो है क्लियर हो गया है, तो आप इस तरह से क्लियर कर देंगे। देखिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये आपको बैक कर देता हूँ दोबारा से, और देखिए वापस क्लियर करते हैं। क्लियर कैच, क्लियर डाटा हो चुका है। तो इसके बाद जैसे आप एप्लीकेशन को यूज़ करोगे तो आपके पास एड्स नहीं आएगी। तो एक बार इसके लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ये देखिए आपको क्या कर रहा है, एम एक्स प्लेयर अलाउ मीडिया एक्सेस फोटो, तो आपको इधर से करना है रिस्ट्रिक्टेड एम एक्स प्लेयर फ्रॉम मोबाइल नेटवर्क, तो आपको करना है डिस अलाउ। इसके बाद इधर को भी डिनाई कर देना है। तो यो का ये वाला, इन ऑर्डर टू प्ले वीडियो एंड ऑडियो वी नीड एनो मीडिया एक्सेस टू योर डिवाइस, अलाउ एक्सेस या एग्जिट, तो आपको अलाउ एक्सेस कर देना है। इसके बाद डिनाई कर देना है। तो इसके बाद में आपको अलाउ करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद जैसे ये कर दोगे, इसके बाद में आपको देखिए कोई भी आपको ऐड देखने को नहीं मिली है। इस तरह से आप देखिए किसी भी ऐड को हम बंद कर सकते हैं। हालांकि मेरा देखिए अब नेट ऑन है, आप ये नहीं सोच सकते कि नेट ऑन नहीं है, नेट भी ऑन है, अभी अभी कोई एड्स नहीं शो हो रही है। देखिए, पूरा वीडियो में देख लीजिए, कोई भी आपकी जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं कोई भी देखिए, आपको कोई भी देखना है आपको, तो उसमें आपको देखिए वीडियो में चला लेता हूँ। फ्रेंड्स नमस्कार, आप तो इसमें मैं देखिए बाद में बैक करता हूँ तो कोई भी ऐड नहीं शो हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने वीडियोस की जो एम एक्स प्लेयर है उसमें एड्स हटा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।